1:1 है और पार्टनर्स के नाम जो है, पार्टनर के नाम है धीरज, नीरज और सूरज। पार्टनर्स नेम्स धीरज, नीरज एंड सूरज। प्लीज पे अटेंशन, द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो क्वेश्चन नंबर 7 रिलायबल सीरीज पेज नंबर 84 एडमिशन ऑफ पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट। तीन पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो जो है 1:1 है, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1। द कैलकुलेशन, ट्राई टू फोकस ऑन द कैलकुलेशन। और इसका रेशियो 1/3, इसका रेशियो है 1/3। तो कैलकुलेशन हमें कैसे करेंगे, न्यू रेशियो मालूम करना है। न्यू रेशियो अगर हमें मालूम करना है तो बैलेंस रेशियो, बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो, बैलेंस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड रेशियो। बैलेंस रेशियो है 1 माइनस 1/3, ये 1/3 हो गया। आप ब्रैकेट में इसको रखें, फिर मल्टीप्लाइड करें बेटा। ओल्ड रेशियो जो है 1:1 है, 1:1 का मतलब हो गया 1/2। तो बेटा यहां पर देखो, अब आपको तो 3 1 3, प्लीज पे अटेंशन हियर, 3 1 3 आप लिखे माइनस 1 नीचे 3, ऑलराइट, डिनोमिनेटर विल बी सेम, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 3 में से 1 गया बेटा तो बचा 2, यस और नॉट, 2 और 3 हो गया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब नंबर इसमें कौन सा कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है, तो ये कटेगा, जब कटेगा तो बचा 1/3, 1/3, पहला रेशियो 1:3। फिर दूसरा रेशियो अगर कैलकुलेशन करेंगे, सेम प्रोसीजर है, 1 ही है इसका भी, इसका 1 है तो इसका भी 1 है, तो यहां पर भी दूसरा आएगा। ये हो गया हमारा धीरज का, धीरज का रेशियो, अब नीरज का, नीरज का रेशियो जो है 1 माइनस 3 अपॉन मल्टीप्लाइड 1/2, सेम, ठीक है, तो 3 1 3 हो गया, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, सो यहां पर हमारे क्या 0 हो गए, 1/3 जो है आपका उसका भी, तो दोनों का 1/3 हो गया, इसका भी 1/3 है और उसका ऑलरेडी 1/3 है, तो ये न्यू रेशियो है, तो न्यू रेशियो 3:3 कटा, तो 1:1:1। अब पार्टनर जो है देखो, 1/3, 1/3, 1/4, राइट और नॉट, यस और नो, इसका ऑलरेडी 1/3 है ना, तो 1/3 करेंगे हम, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है तो उसका भी डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर हमें यहां पर 3 आ रहा, यहां पर 3 आ रहा, तो यहां पर 3 ही रहेगा, तो रेशियो 1:1:1 हो गया, यस और नो। अब ये पार्टनर कितना पैसा ला रहा है, 90,000 ला रहा है, 90,000 ला रहा है, इसका रेशियो 1:3 है, तो 1:3 मतलब रेसिप्रोकल क्या करेंगे हम लोग, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो 90,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 3/1, तो 2,70,000 हो गया, कितना हो गया बेटा, 2,70,000, 9 3 27, 9 3 27, तो 27,000 को हम कैलकुलेशन करेंगे, 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो ये हुआ 3 1 3 9 3, एक को 90,000 मिल रहा है, दूसरे को 90 मिलेगा और तीसरे को 90 मिलेगा, तीसरे को, क्योंकि रेशियो इवन 1:1:1 है, तो 1 से करेंगे तो 90 आ रहा है, 1 से करेंगे तो 90 आएगा, 1 से करेंगे तो, सही है। Once again, I'll just explaining to you calculations of new ratio, old ratio 1:1 दिया गया है, new ratio की calculation कैसी होगी, देखो new ratio धीरज का 1 माइनस 1/3, ये बैलेंस रेशियो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1, 1+1 2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 3 माइनस 1 3, 3 में से 1 गया तो 2, 2/3 मल्टीप्लाइड 1/2, दो दो कॉमन चीज है तो कैंसिल हो गए, तो 1/3 बचा, 1/3 हमने यहां लिखा, फिर उसके बाद इसकी भी कैलकुलेशन में 1/3 था, 1/3 यहां लिखे, इसकी रेशियो वही है, तो तीनों की रेशियो होगी 1:1:1, 90,000 रुपीज ला रहा है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1 मल्टीप्लाई 2,70,000, 2,70,000 में अगर हम बांटेंगे 3, 3 3 9, 3 9 27, तो 90,000 रुपीज जो है, 90,000 रुपीज एक का हुआ, दूसरे के भी कैलकुलेशन 90, 3 3 जस्ट क्लियर।
I hope you understood. Question number 7, reliable series, page number 84. How to calculate the new ratio and how to distribute the capital adjustments? These are two things. Clear, eh? Okay.